हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम यू ऑल टू माय YouTube चैनल आके फेमस ब्लॉग्स। बहुत दिनों बाद हम लोग ब्लॉग शूट करें इस तरह से आउटडोर वाला एंड फिलहाल हम लोग जा रहे हैं औरंगाबाद, क्योंकि औरंगाबाद में हमको थोड़ा सा काम है, कुछ हॉस्पिटल के एक विजिट भी है, तो चलते हैं औरंगाबाद, मिलते हैं आपको एंड देखते हैं कि अगर आज पॉसिबल होगा तो निकलेंगे, बिकॉज ऑलरेडी 5:30 बज चुके हैं, 5:30 हो रही है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑलरेडी अभी 5:40 हो रहे हैं एंड हमको औरंगाबाद पहुँच के वहाँ से काम करके अगर लेट हो जाएगा तो कल का दिन रुकेंगे एंड रुकने के बाद में कल औरंगाबाद को भी एक्सप्लोर करना है, तो चलते सीधा आप लोग तब तक थोड़ा सा रास्ते में इतनी ज़्यादा बारिश मज़े नहीं है एंड पूरा ग्लास ही वहाँ हमारी प्रॉब्लम हो चुकी है, लिटरली वहाँ दिखाई दे रहा। हमारे प्लानिंग चल रही थी कि बाइक से आना, बाइक से तो कितने भी पॉसिबल नहीं होता, आधे में से पलट जाना पड़ता एंड रास्ते भर में अक्सर मतलब बहुत बारिश लगी। हाँ ये वाला मोमेंट कैप्चर होना था। 20 किलोमीटर रह गया औरंगाबाद, तो आगे 10 किलोमीटर से बाईपास निकल जाएंगे, 10 किलोमीटर से सिटी में निकल लेंगे। चलिए हम लोग पहुँच चुके हैं औरंगाबाद एंड फिलहाल हम लोग स्टे कर रहे हैं होटल में, तो जो एकदम पास ही है यहाँ से, मतलब रोड के ऑपोजिट साइड है, बट सिग्नल इतने लंबे लग रहे हैं भाई, जितना टाइम हमको सिटी में आने के लिए नहीं लगा उतना टाइम सिटी क्रॉस करने में लग रहा है। एक टर्न मिस हो गया था जिसकी वजह से थोड़ा सा हमारे साथ शॉर्ट हो गया, तो फिलहाल चलते हैं होटल चेक इन करके फिर आपको मिलते हैं कुछ देर बाद। ट्रैफिक में स्ट्रगल कर रहे हैं यार। गाइस फाइनली हम लोग एंटर हो चुके हैं होटल में एंड भाई बहुत टाइम लग गया, लिटरली बहुत टाइम लग गया। गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, टाइम क्या हो रहा है अभी, टाइम हो रहा है 7:10 एंड हम लोग पहुंच चुके हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, टाइम हो रहा है 7:10, तो 7:11 हो गया। गाइस दिस इज़ द ब्यूटीफुल होटल रूम एंड सबसे पहले हम लोग देखते हैं होटल का जो रूम टूर है वो देखते हैं, तो एंटर होते के साथ हमको इसको कर देंगे लॉक एंड राइट को हमको मिलेगा ये एक वार्डरोब वाला सेक्शन, लेफ्ट में बाथरूम है, इसको बाद में एक्सप्लोर करते हैं एंड ये हूँ मैं, यहाँ पे रखा गया है कॉफ़ी वगैरह के लिए सेक्शन, ये हमारे बैग्स हैं एंड ये यहाँ पे टीवी एंड हम दोनों फ्रेंड्स हैं, इसके लिए हमने अलग अलग बेड लिया है एंड यहाँ से है एक टेबल हमारा डेस्क एंड ये है होटल का, ओके खुल रहा क्यों नहीं, इधर से खुल जाएगा। ये है होटल का एरिया जहाँ पे हम लोग को एक बहुत ब्यूटीफुल व्यू मिल रहा है, इसको मॉर्निंग में देखते हैं, फिलहाल तो लेट हो चुका है तो पहले डिनर वगैरह की प्लानिंग करेंगे एंड लेट्स सी के क्या क्या होता है। वॉशरूम वाला एरिया एंड हमने चॉइस किया है बाथटब वाला, बिकॉज बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल ये लगने वाला है, तो लेट्स सी सबसे पहले नहा के फ्रेश होते हैं फिर चलते हैं बाहर जहाँ पर हमको जाना है, सारी यूटिलिटीज़ है यार। बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा एक रूम है, छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा है, बहुत ज़्यादा बड़ा हम लोग ने प्लान नहीं किया रूम। सो गाइस फिलहाल मैं जा रहा हूँ, अपना पावर बैंक खुल चुका था मैं यहीं पे, ओके सो गाइस मैं अभी जा रहा हूँ लंच डिनर करने के लिए, लंच का तो टाइम ही नहीं है, काफ़ी दिन बाद ब्लॉग कर रहा हूँ इसके लिए थोड़ा सा फंबल हो रहा है, लेट्स सी क्या होगा आज हमारा डिनर। जाते हैं अभी डिनर करने के लिए, कुछ वेज खाने का मन हो रहा है, ट्राई करते हैं कुछ यहाँ का वेजिटेरियन फूड औरंगाबाद, लोग बोलेंगे कि यार ये क्या हरकतें हैं, बट स्टिल मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, चलते हैं सीधा नीचे के साइड। तो फिलहाल चलते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, एक मिनट लाइट्स बहुत ही डिम हो गई भैया, लाइट मारो, फिलहाल चलते हैं थोड़ी सी शॉपिंग करते हैं
एंड उसके बाद जाते हैं डिनर करने। तो यार वेज खाने का ही मन था बट कैंसिल हो गया वेज का प्लान एंड हम लोग खाने आ गए हैं यहाँ पे मंदी। तो फिलहाल खाकर निकल जाएंगे यहाँ से जल्दी से जल्दी। अभी टाइम रहा 11:30 एंड हमको हो रही थी चाय की क्रेविंग, तो फिलहाल पीते चाय की कॉफ़ी मंगाई थी, पता नहीं सही भाई। फिलहाल पीते कॉफ़ी एंड फिर आपको मिलते कुछ देर बाद। ससुर चक्कर नहीं है चाय में, वो बिल्कुल ही शक्कर नहीं थी चाय, ये शुगर भी कौन खा रहा है यार, दुनिया के अपन जंक फूड खाने वाले लोग हैं, शक्कर नहीं डाला मैंने भी यार। The next day, वेल टाइम हो रहा है सुबह के 6 एंड देखते हैं यहाँ से टाइम लैप्स वीडियो लेने का। दिस इज द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड यार अभी टाइम लैप्स ने आपको देखा ही होगा कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। फिलहाल चलते हैं नीचे एंड बाहर से होटल को करते हैं एक्सप्लोर, लेट्स सी कि किस तरह से है एंड क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज आपको मिलने वाली है। फिलहाल आई एम प्लानिंग के मैं जाता हूँ फिलहाल पूल एरिया में एंड थोड़ा सा फन करते पूल में और वापस आ जाएंगे। सो गाइस फिलहाल मैं हूँ पूल एरिया एंड यहाँ पे अभी ठंडी तो बहुत है, थोड़ा सा ज़रा फट रही है मेरी बट आई वॉन्ट टू ट्राई, लेट्स सी। तो मेरा मन नहीं कर रहा है पूल जाने के लिए तो पीछे के लिए और भी एक्सेस है, ये देखते हैं क्या क्या चीज़ें का एक्सेस। तो गाइस ये है यहाँ का जिम एरिया जो पूरी तरह से खाली पड़ा है एंड मेरे को भी जिम जाने का है, बहुत बहुत आवाज़ आ रहा है बैकग्राउंड से, जिम जाना है बट हो नहीं रहा है यहाँ क्या है। यहाँ पर है प्लेइंग, तो गाइस बहुत ज़्यादा बढ़िया होटल है, अगर मैं चलता हूँ बाहर जिम तो मुझे करना है नहीं। एंड घूमते घूमते मेरे को यहाँ पे एक बहुत बढ़िया सा स्पेस दिख गया। हाय कुजी कुजी रैबिट, हाय यो व्हाट इज अप, या यो यो भाई क्या प्यारे लग रहे रैबिट्स। एंड इसके अलावा बहुत से बर्ड्स भी है, ये तो भाग गए। एंड ये है पिजन है आई गेस, हाँ पिजन कबूतर है। ओ हो बहुत बढ़िया स्पेस है। एंड ये है एक वेल, दूर रहने के लिए कहा गया इसको ऑलरेडी। तो इसे देखते हैं अभी और क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ देखने के लिए मिल रही है। और क्या बड़ा एरिया है यार, एकदम सिटी के सेंटर में। वैसे तो मैंने आपको शायद बताया है, हाँ बताया तो है मैंने कि मैं रुका कहाँ पर हूँ। यार होटल का जो स्पेस है बहुत ज़्यादा बड़ा है एंड गार्डन एरिया है उसका, पता नहीं ये 7-8 acres 10 acres के आसपास फैला हुआ रहेगा। इधर से होटल है एंड बैक साइड में हमारे ये होटल का एरिया। अभी जाने के लिए के बाद करेंगे थोड़ी देर से ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा अंदर से भी दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ स्टैचूज वगैरह भी बने हुए हैं, अंदर जाने के बाद में करते हैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर, हाँ इंटीरियर वगैरह किस तरह से वो देखेंगे। तो ये है लॉबी वाला एरिया जहाँ पे एक साइड में रेस्टोरेंट है एंड दूसरे साइड में है बार आई गेस, हाँ। एंड ये एंट्रेंस स्टेप से भी है, उधर से लिफ्ट भी है।
वेटिंग हॉल जैसा एरिया, रिसेप्शन का डेक, तो उनको करते हैं ओप। ओके, तो ये भी शाम को भी आपने देखा था, बट लाइट्स नहीं रहने के कारण ज़्यादा ब्यूटीफुली वो दिखा नहीं होगा आपको। तो ये इसका मेन एंट्रेंस, वहाँ से एक गेट है एंट्री का, एक गेट है एग्जिट का, एंड ये पूरा वापस से गार्डन एरिया। एंड फ्रंट से भी दिखाता हूँ मैं आपको होटल। फिलहाल थोड़ा सा गार्डन में बिना चप्पल के चलने का मन हो रहा है मेरा। ये है होटल का नाम, एम्बेसडर अजंता। बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, पीछे से थोड़ा सा देखना पड़ेगा इसको। पीछे से देखने के बाद मैं आपको समझ में आएगा कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है। एंड यार कैमरा बिल्कुल भी जस्टिस नहीं कर पाता कितना ब्यूटीफुल सा ये एरिया है। ओके, तो फिलहाल बैठते कुछ देर एंड करते यहाँ पे एंजॉय रिलैक्स, फिर चलेंगे हम सीधा ब्रेकफास्ट करने के लिए। फिलहाल मैं जा रहा हूँ पूल, पहले शावर लेते हैं, शावर लेके जंप करते पानी के अंदर। थोड़ा सा फट रही है, अंकल से मैंने पूछा पानी ठंडा है क्या, वो लेके नहीं है ठंडा, देखते हैं यहाँ का पानी कैसे आ रहा। ये तो बहुत ठंडा है। फोन तो गीला हो गया। तो यार फ़ोन पानी में डालने की वजह से फ़ोन में जो है वो माइक के अंदर पानी चला गया था, एंड इसकी वजह से ऑडियो यहाँ पे आया नहीं। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि मैं अभी जाने वाला हूँ फ्रेश होके यानी चेंज करने के बाद ब्रेकफास्ट करने के लिए, एंड ब्रेकफास्ट में यहाँ पे क्या क्या हमको मिलेगा ये सारी चीज़ें फ़िलहाल हम लोग एक्सप्लोर करने वाले थे। तो फ़िलहाल मैं हो चुका हूँ फ्रेश एंड अब चलते हैं अंदर, देखते हैं आगे का पार्ट। सो गाइज, ये है ब्यूटीफुल सा इनका एक रेस्टोरेंट, एंड बहुत बड़ा स्पेस है यहाँ पर रेस्टोरेंट के लिए। एंड इसके अलावा फैसिलिटीज़ वगैरह भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। आगे चल के देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पे इन्होंने ब्रेकफास्ट के लिए हमारे लिए ऑप्शंस को रखा है। एंड फिलहाल अर्ली मॉर्निंग का टाइम है तो ज़्यादा क्राउड अभी आया है नहीं। तो सबसे पहले हमको देखने के लिए मिलते हैं दो टाइप के जूसेस, एक है वनीला और एक है वाटरमेलन। उसके बाद है सीरियल्स एंड चोकोज, एंड उसके बाद ये है कुछ साउथ इंडियन वाला ऑप्शंस, मेदू वड़ा एंड इडली सांभर। ये है सारी चटनियाँ, और आगे हमको देखने को मिलता है आलू भाजी, एंड ये है चपाती। तो अगर किसी को हेवी ब्रेकफास्ट करना है तो ये सारी चीज़ें उनके लिए है। यहाँ पर पोहा, उसके बाद उपमा, देन पटेटोस, देन वेज नगेट्स। ये यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है भाई जिसकी कोई हद ही नहीं है। ये वेजिटेबल्स भी है जो अगर हेल्दी खाना चाहे तो, स्वीट है। उसके अलावा ये कुछ बेकरी आइटम्स जैसे कि सैंडविचेस, केक्स, मफिन्स। यहाँ पे चाय तोस वाला सेक्शन भी है एंड कुछ बॉइल्ड एग्स भी है। तो देखते हैं कि क्या हम लोग यहाँ से ऑर्डर करने वाले हैं। एंड ये है एक टोस्टर जैसे, तो देखते हैं पहले राउंड में हम लोग क्या कर क्या क्या खाएंगे और क्या लेकर जाते हैं। हमारा एक ब्रेकफास्ट एंड ये सेकंड ब्रेकफास्ट, मतलब दोनों में हमने थोड़ा सा डिश डिवाइड करके लिए है बिकॉज ब्लॉग में दिखाने को आ जाए। सबका एक एक घूट एक एक घूट ट्राई करने वाला हूँ, जो पहले पीते के बाद जो पी देंगे। या ये चल रहा है यहाँ पे हमारा सेकंड राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट, टोस्टेड ब्रेड से यहाँ पे, एंड ये जा रहे हैं यहाँ से और आ रहे हैं। तो फिलहाल चलते हैं हमारे टेबल पे एंड खड़ते हैं ये सेकंड राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट, एंड ये है थर्ड और लास्ट राउंड ऑफ ब्रेकफास्ट। ये है हमारा पहला कॉम्प्लेक्स। वाह, छोटा बच्चा कहाँ आ गया? सॉरी, पहले चौकस था, अब है कॉम्प्लेक्स। ये टकरदार होगा ना तो सीधा सब्सक्राइब -10 मिलियन, फोर पकड़ते गाने।
सो गाइस फाइनली चाय के बिना तो ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं, आप कितना ही कुछ खा लो लेकिन जब तक चाय नहीं पियोगे तब तक मज़ा आने वाला है नहीं। चाय के साथ खा रही है हमारा ओजी स्टाइल, चाय खा रही खाते हैं फिर चलेंगे ऊपर, फिर देखते कि जिम जाने का, जिम तो नहीं जाएंगे, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर घूमने के लिए निकलना है भीड़ के लिए। सो गाइस अभी मैं रहा धोके हो चुका हूँ फ्रेश एंड अब टाइम आ चुका है इस ब्यूटीफुल एंड वंडरफुल होटल एंड होटल रूम को छोड़ने का, तो फिलहाल चलते हैं देखते हैं कि कुछ शॉपिंग के लिए जाना था रात को, रात में तो रह गया, अब आज जाकर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको मिलने वाली है, कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें परचेज करेंगे फिर निकलते सीधा बीड़ी के लिए। तो पहले मैं चेकआउट कर लेता हूँ फिर आपसे वापस से मिलते हैं। गाइस एक चीज़ हमसे कल मिस हो गई थी, दैट इज़ यहाँ पे एक फ्रिज भी है छोटा सा बट हमको यूज़ में ही नहीं आया, अगली बार आईफोन रखने के काम आ जाएगा। निकलने के पहले हमारा चल रहा है एक लास्ट कॉफ़ी सेशन एंड ये था रेस्टोरेंट, सुबह में बहुत ज़्यादा भरा हुआ था एंड अभी कम्प्लीटली पूरी तरह से खा लिया है। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर सो गाइस अभी हम लोग हैं जूडियो नहीं प्रोजोन में एंड यहाँ से कुछ करनी है थोड़ी सी शॉपिंग, देखते हैं कि क्या क्या कपड़े वपड़े हमको मिलेंगे। अरे जूडियो फर्स्ट फ्लोर पे है, यहाँ पर बाहर निकल रहे हैं। तो फिलहाल हमने परचेस किया बस ये एक शर्ट एंड इसके अलावा अभी देखते हैं एंड ऑल दो क्राउड तो आज बहुत ज़्यादा है जूडियो में। सो गाइस हम लोग निकल चुके होटल से, मिलते हैं अभी अगले ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड होपफुली वीडियोज आते रहेंगे जल्दी से जल्दी। बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।